भगवान श्री राम के भाई भरत ने श्री राम के वनवास से लौटने के लिए तपस्या नंदीग्राम पर ही की। श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले तो भरत भी उनके साथ हो लिए। श्री राम के कहने के बाद उन्हें नंदीग्राम पर ही रोक दिया गया। यहीं पर भगवान राम के वनवास के दौरान राजा भरत ने राज्य की राजधानी अयोध्या के बजाय नंदीग्राम भरतकुंड से शासन किया। 14 वर्ष वनवास खत्म कर जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो यहीं पर भरत से मिले। यहीं पर भगवान शंकर का मंदिर है जिसमें नंदी जी रहस्यमय रूप से मंदिर के बाहर देख रहे हैं, जो आम तौर पर अन्य मंदिरों से अलग है। यहाँ से नंदीग्राम जो नाम पड़ा हुआ था, भगवान भोलेनाथ नंदी जी को यहाँ पर छोड़कर भगवान श्री राम जी का दर्शन करने के लिए गए थे, इसलिए इसका नंदीग्राम नाम हो। नंदी जी यहाँ पे हैं, ये विमुख बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ का आने के इंतजार कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ यहाँ से पूर्व और दक्षिण को गए थे। उन्होंने कहा कि आप यहीं पर रहिएगा, शाम को जब लौटते हैं तो आपको लेकर चलेंगे। प्रभु ने ऐसी माया फेरा कि उनको 6 महीना लग गया वहाँ दर्शन करने में। रोज डेली जाते थे दर्शन के लिए और शाम हो जाता था, दर्शन नहीं मिलता था तो लौट जाते थे। इसी तरह वो 6 महीना जब बीत गया, दर्शन नहीं हुआ तो सरयू तट पे जाके उन्होंने वहाँ पे अपना धुनी लगा दिया, वहीं बैठकर तपस्या करते थे और सभी की हस्त रेखाओं को देखते थे। वहाँ उनके प्रचार प्रसार होते हुए जब माता कौशल्या राजा दशरथ को मालूम हुआ कि यहाँ से आए हुए हैं, उनके शिष्य जो गरुण जी को थे ताकभूषण जी, उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी जो हैं काशी से आए हुए हैं, ये बहुत विद्वान हैं, जो समस्याएं हैं वो आप पूछ लीजिए, बता देते हैं। इसी प्रचार प्रसार से उनको मालूम हुआ तो माता कौशल्या ने कहा कि उनको क्यों ना घर पर बुला लिया जाए, इस बालक का भी हाथ देखेंगे, भगवान का कुछ बताएंगे। तो जब गए, उनके मंत्रियों ने उनको लेकर आए हैं, तो वहाँ पे जाके भगवान राम जी के जीवन शैली को बताया। उसके बाद में यहाँ आए, फिर नंदी को लेकर गए, इसलिए इसका नंदीग्राम नाम है। भरत जी जब मालूम हुआ वहाँ से आए अयोध्या को ननिहाल से कि बड़े भैया को वनवास हो गया है, वन को चले गए हैं, तो उन्होंने कहा कि बड़े भैया को मैं बना वापस वन से बना के लेकर आएंगे, उनको राजा बनाएंगे, और नहीं तो वही राजा बना के उनको वापस लेकर आएंगे। वो राजा बनने के लिए जब नहीं तैयार हुए तो उन्होंने वहाँ से चरण पादुका लाकर यहाँ पे सिंहासन पर स्थापित कर दिया अयोध्या में। उसके बाद नंदीग्राम में आके यहाँ पे बैठकर 14 वर्ष तपस्या किया। ये वही स्थान है नंदीग्राम भरतकुंड, भरतकुंड के नाम से तब से जाना जाने लगा। यहीं पे भरत जी ने जब तपस्या किया, उसी समय हनुमान जी पर्वत को लेकर जा रहे थे, तो भरत जी ने जब बाण मारा, हनुमान जी गिरने लगे, तो ये वृक्ष जो है इसकी लटाएं जो हैं सारी उनको उठा लिया, तब से इसकी लटाएं जो हैं सारी ऊपर जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं। यही ये ज्ञान देता है कि अगर कोई व्यक्ति गिर रहा है तो उसको उठाना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। भरत जी ने जो 14 वर्ष सीताराम नाम का जप का संकल्प लिया था कि अगर 14 वर्ष पूरा होते ही प्रभु श्री राम जी नहीं आते हैं तो मैं अपना प्राण त्याग देंगे, इसलिए यहाँ पे 14 वर्ष के लिए संकल्प किया गया कि पुनः 14 वर्ष सीताराम नाम जप होगा तो पुनः राम जन्मभूमि बन जाएगी, राम राज आ जाएगा। तो 14 महीना पूरा होते ही राम जन्मभूमि का आदेश हुआ, बनने लगा, पूरे विश्व में राम राज ही राम राज आ गया, राम राज के पताके फैल गए, इसलिए यहाँ सभी साधु संत सेवा और सीताराम नाम जप किया जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग इस समय गुप्तार घाट पे बैठे हुए हैं, तो नदी जो है राम जी के ये दर्शाता है कि राम जी आपको सामने भले ही न दिखें, मंदिर में मूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन नदी तो हमारे सामने प्रत्यक्ष है जहाँ राम जी खेलने आते थे। तो इसलिए साबित होता है कि जब इसी नदी में रामचंद्र जी खेले हुए हैं, बड़े हुए, इस रेत में घूमे हुए हैं, ये उनके समय की है। तो सरजू तो एक ही है, जहाँ तक अयोध्या है हर जगह सरजू बह रही हैं, लेकिन महत्व सबका अलग अलग है। जो सुबह आपको हमने दिखाया था, कल नदी का दर्शन कराया था शुरुआत में, वहाँ रामचंद्र जी स्नान किया करते थे। जब रावण को मार के 14 वर्ष वनवास के पास वापसी भगवान अयोध्या में आए,
तो उनका राज्याभिषेक हुआ राजगद्दी मंदिर पे, जहाँ राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब सोका। भगवान ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किया, ऐसा इतिहास में वर्णन आता है। जब वो राज्य उनका पूरा हो गया तो स्वयं नारायण थे अपने, उनको कोई कहते हैं लोग कि काल आया आदमी को मार दिया लेकर चला गया, लेकिन राम को कोई काल मारने ही नहीं आया था, तो वो अपनी मर्जी के अनुसार ब्रह्मा जी को ज्ञात कराए। ब्रह्मा जी ने राम जी के इशारे को समझा और उनकी बातों को, राम जी के द्वारा जो उनकी भावना जो आई, उन्होंने काल को इस रूप में भेजा और उसने राम जी को सूचना दिया कि ब्रह्मा जी हमको भेजे हैं आपकी सेवा के लिए, क्या आदेश है, क्या आप पुनः जो है वैकुंठ नगरी क्षीर सागर में अपने जाना चाहते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी इच्छा हो रही है, आप जब तक इच्छा यहाँ रहिए। तो भगवान से काल नेमी स्वयं इच्छा पूछने आया था, तो वो अपनी मर्जी से भगवान यहाँ पर गुप्त हुए थे, भगवान अंतर्ध्यान हुए थे। ऐसे यहाँ पर भगवान स्वयं अपनी इच्छा से नदी में गए और समस्त अयोध्या वासियों को, समस्त देवता जो मनुष्य नर लीला करके यहाँ पर साधु ब्राह्मण बाबा बन के, कोई बंदर भालू बन के, कोई पशु पंछी बन के भगवान की सेवा में लगे थे, सब लोग जब भगवान जाने लगे, नारायण सरजू नदी के अंदर प्रवेश किए और वहाँ चतुर्भुजी का रूप धारण करके सबका मोह भंग किए कि हम तुम्हारे बीच में जो नर लीला के रूप में एक साधारण मानव के रूप में थे, अब असली रूप अपना हम दिखाते हैं। प्रभु ने यहाँ पर चतुर्भुजी का रूप दर्शन कराया सबको, जो दर्शन करने के लिए लोग हजारों सैकड़ों वर्ष तक जंगलों में पहाड़ों पर तपस्या करते हैं, वो झलक वो दर्शन प्रभु ने यहाँ सहज रूप से दे दिया। जो जो भगवान के साथ जाना चाह, भगवान ने आदेश दिया कि जिसको परम धाम चलना है वो मेरे साथ मेरे शरीर में विराजमान हो जाओ, मैं अपने द्वारा उनको भवसागर के नैया पार करा करके स्वर्गलोक को ले चलता हूँ, और जिसकी इच्छा अयोध्या में रहने की है, यहाँ अच्छा लग गया, वो अयोध्या में राज करो, यहाँ पर आपके महल हैं, घर हैं, यहाँ आपकी सारी सुविधा उपलब्ध है। तो इस प्रकार से भगवान इस नदी के अंदर सबको दर्शन दिए और उसके बाद सभी अयोध्यावासी लोग जो भगवान के साथ देवता लोग रूप बदल करके यहाँ रहते थे, वो उनके समा गए और उनके शरीर में समाहित होकर के उनके द्वारा भगवान वैकुंठ चले गए और सभी देवता उनके साथ चले गए। बाद में हनुमान जी भी उनके साथ जाने लगे, तो राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि हे हनुमान, आने वाले दिनों में जो कलयुग आएगा अनिरुद्ध कार्य होते रहेंगे, इसलिए उनकी रक्षा देखभाल करने के लिए, अयोध्या वासियों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों और धर्म साधु संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए, गऊ के जानवर पशु पंछी की रक्षा करने के लिए तुमसे बड़ा अच्छा भक्त हमें और कोई नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर्वगुण तुम संपन्न हो, 16 कलाओं से भरपूर हो, जिसको माता जानकी जी ने स्वयं आपको सिद्धि दिया है, अष्ट सिद्ध नवनिज के दाता असबरदीन जानकी माता, आपको 8 सिद्धियां प्राप्त है, आप कोई भी रूप बदल करके किसी रूप में भक्त का कल्याण कर सकते हो, जो आपको पुकारेगा क्षण भर में आप उसके पास जा करके जो है पहुंच करके उसके दुख को आप दूर निवारण कर सकते हो, आपका नाम संकट मोचन के नाम से भी आपको जाना जाता है, कि आप संकट को क्षण भर में दूर कर देते हैं। तो हनुमान जी को राम जी ने राज्याभिषेक तिलक करके, इस समय अयोध्या के मालिक हनुमान जी हैं, इसलिए हमारे टूरिस्ट विभाग का जो एल्बम ये वीडियोग्राफी बनाया गया है, इसका आप लोग आनंद उठाइए। जो भाई साहब ने आपके लिए परम मेहनत करके ऐसे ऐसे जगह पर सुबह से कल से ठंडी में हवा में खुले आवाम में घूम रहे हैं, और आपके साथ दोनों बच्चे, तीनों बच्चे सब, इनके सब इतना वजन सामान लेके टैक्सी से घूम रहे हैं, ये सब बनाया है जो इन्होंने बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, ये केवल एक काल्पनिक दर्शन ही मात्र नहीं है, इससे आपको दरस परस मुखमंजन पाना हरे पाप के वेद पुराणा। वेद पुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अयोध्या नहीं आ सकता है, अगर राम से बड़ा राम का नाम, जापर कृपा राम की हुई तापर कृपा करें सब कोई, तो जो अयोध्या नहीं आ सकता है किसी कारणवश नहीं आया, तो वो इनके वीडियो के माध्यम से अयोध्या के राममय रामायण का दर्शन करेगा, इस सीरियल को धारावाहिक को देखेगा, उसको घर से ही अयोध्या का आने का पूरा फल मिलेगा, ऐसा मेरा 100% इस पे गारंटी के साथ कह रहे हैं। आप इसको प्रेम से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, इसके विचारधारा को अपने अंदर लड़ाई करेंगे, उतारेंगे, कंठस्थ करेंगे, इनसे जुड़ेंगे, अयोध्या की महिमा जानने के लिए इनके चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे इसको दूर तक पहुंचाएंगे अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदार के यहाँ, तो आपको इसका बहुत फल मिलेगा। और अयोध्या आएंगे तो और अच्छी बात है। मेरा फोन नंबर 97954-77385 है। मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे
हम भारद्वाज गोत्र के यहाँ के ब्राह्मण पुरोहित समाज के महामंत्री भी हैं। आप इनके माध्यम से मुझसे भी जुड़ सकते हैं। अयोध्या में कोई भी आपको रुकने का ठहरने का सब सुविधा हम आपको देंगे, भोजन कराएंगे और अयोध्या घुमाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आप अगर प्लेन से आते हैं तो प्लेन से उतरने के बाद में इस प्लेन एयरपोर्ट का नाम जो अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बनाया है उसको महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से दिया है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतर करके अयोध्या की दूरी 15 किलोमीटर रह जाती है। इन 15 किलोमीटर दूरी के लिए आपको टैक्सी करना पड़ेगा। बाहर आप एयरपोर्ट के निकल के आएंगे, उसको आपको ट्रेवल समय टैक्सी ले लेंगे, वो टैक्सी आपको अयोध्या छोड़ेगा। आप हमारे पास संपर्क करेंगे, हम उस टैक्सी वाले को आपको कहाँ आना उसको बताएंगे, वो मेरे पास ला के आपको पहुँचाएगा। मैं आपको फ्रेश होने के लिए रहने के लिए रूम का व्यवस्था रखूँगा। फिर आपको उसी टैक्सी से या किसी दूसरे टैक्सी से करके जो मंदिरों में जाती हैं इनका परमिशन है कि आपको लाइन न लगाना पड़े, आपको पब्लिक सर्वेंट पे हर जगह आम पब्लिक की जैसे नज़र से न देखा जाए, उन भीड़ भाड़ से बचा करके आपको अच्छी रोड से जो है बिना लाइन का आपको VIP दर्शन करा सकता हूँ। और ये सब सुविधा मेरे पास उपलब्ध है। आप मुझसे जुड़ेंगे इनके चैनल के माध्यम से तो आपको अयोध्या दर्शन सुलभ होगा और आपको भोजन का रहने का ठहरने का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आने से 10 दिन 5 दिन पहले आप मुझको जानकारी दे दें और जब अयोध्या आने लगे तो एक बार फिर मुझको बता दें कि मैं कौन सी तारीख को अयोध्या पहुंच रहा हूं। आप इनसे ज़रूर जुड़िए, ये आपके हित के लिए इन्होंने जो बना रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसको अपने साथी संगतियों तक दूर दूर तक पहुँचाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे ट्रस्ट का नाम है श्री अयोध्या धाम तीर्थ पुरोहित सेवा समाज ट्रस्ट अयोध्या। हम लोग का कर्तव्य है कोई भूला बिसरा असहाय वृद्ध कोई हो उसको उसके घर तक पहुंचाना, कोई दुखी मुसीबत हो ट्रीटमेंट कराना, कोई गिर पड़ गया हो, कोई पशु पंछी गाय कुत्ता काट लिया या किसी को कोई तो अस्पताल पहुंचाना, या कोई लड़की की शादी विवाह नहीं हो रही उसमें ट्रस्ट के माध्यम से सहयोग करके उसका शादी विवाह कराना, या कोई गरीब ब्राह्मण घर में कोई मुसीबत है उसको जान पहचान करके उसका मदद करना, इस तरीके हम लोग कार्य करते रहते हैं। आने वाले सभी दर्शनार्थियों को अपने ट्रस्ट के माध्यम से जो हमसे जुड़ते हैं उनको अयोध्या यात्रा भी कराया जाता है। गाड़ी बुकिंग करके उनको कोई नेपाल जाना चाहता है वो सब सुविधा कर देते हैं। अगर आपका कोई रिप्लाइज करने वाला कोई आपका जो है संपर्की नेपाल में या बनारस में नहीं है गया में, तो हम यहाँ से गया और बनारस तक की भी आपको सुविधा आगे कर देंगे। कैसे आपको गया पहुँचना, कैसे बनारस पहुँचना, आपको यहाँ पर डायरेक्ट मोबाइल से हम बात करा देंगे। हर तरह की सेवाएं हम कर देंगे। आप सोनोली बॉर्डर पे आपको वहाँ गाइड मिल जाएगा, वो आपको नेपाल घुमा के आपको बाहर निकाल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए आप ट्रेन से आ रहे हैं तो डायरेक्ट अयोध्या से 1 किलोमीटर दूरी पर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर आप उतरेंगे, अयोध्या जंक्शन है, 5 मिनट तक गाड़ियाँ रुकती हैं, बाकायदे आप उतर करके होटलों और गेस्ट हाउस में ठहर सकते हैं और वहाँ मुझे सूचना देंगे, मैं आपको रिसीव कर लूँगा और इस तरीके अपने टूरिज्म को अच्छी सुविधा दूंगा। धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।